हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे जहां भी होंगे। और हम हैं इस बार दिवाली पे सिंगापुर में, जो नॉर्मली हम लोग हमारी फैमिली के पास जाते हैं, पर इस बार कोविड के कारण हम जा नहीं पा रहे हैं। तो कल था धनतेरस 12 नवंबर को, 12th November 2020, और आज है छोटी दिवाली, जो कि दिवाली के एक दिन पहले होती है, जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है, और कल है एक्चुअल दिवाली। तो आज हम दिवाली के लिए कुछ सामग्री लेने जा रहे हैं, कुछ नॉर्मल सी चीजें लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जगह है, कहते हैं लिटिल इंडिया उसे, जो कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, लिटिल इंडिया मतलब इंडिया का ही रूप है वो, वहां पर इंडियंस हैं काफी, और उसी के चलते वहां पे दिवाली की काफी रौनक रहती है। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको सिंगापुर में किस तरह मनाई जाती है दिवाली और क्या रौनक रहती है सिंगापुर में दिवाली के दौरान। चलिए मेरे साथ। तो ये जो रोशनी और रौनक आप दिवाली के देख रहे हैं, ये लिटिल इंडिया सिंगापुर है, जो कि लगता है कि इंडिया का फुटेज दिखा रहे हैं, बट है नहीं, ये सिंगापुर की ही रौनक है इस साल की 2020 की दीपावली की, जो कि हर साल यहाँ पे इसी तरह की रौनक होती है। और यहाँ पे मार्केट में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि दिवाली की सामग्री होती है, या जो दिवाली में दीपावली मनाने के लिए ज़रूरी आवश्यक सामग्री होती है, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सिंगापुर का इसलिए यहाँ पे इसको लिटिल इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगती जो कि मैंने सोची और मैंने यहाँ पर नहीं पाई हो। तो यह है जी लिटिल इंडिया आपके लिए। मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला था कि सिंगापुर में दिवाली कैसे मनाओगे आप, कैसे मनाई जाती है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली और किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है दिवाली का आमतौर पे। तो ये है लिटिल इंडिया, और आगे देखिए इसमें काफ़ी कुछ है। अभी आप आगे देखेंगे हमको यहाँ पर दाल बाटी चूरमा तक मिल चुका है, तो वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे। और आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इस तरह के कोई वीडियो, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो हम आपको इस तरह के वीडियो के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।
तो इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी की दिवाली बड़ी मंगलमय होगी और आप सभी दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे और काफी हर्षोल्लास से दिवाली मना रहे होंगे जहां भी होंगे। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं सुना होगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो कि खुद की शादियों में काफी आतिशबाजियां करवाते हैं पर दिवाली पर कहते हैं, ज्ञान देने आ जाते हैं कि फटाकों से अस्थमा होता है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लिमिट में फटाके फोड़िए, स्पेशली बच्चों को फोड़ने दीजिए, अगर बड़े हैं घर में तो उनको फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पॉल्यूशन होता है नो डाउट, बट हम हमारे त्योहार को मना सकते हैं एक या दो फुलझड़ी जला के। तो जो हमारे रिचुअल हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको फॉलो करिए, गर्व के साथ हमारे त्योहारों को मनाइए और आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ करते हैं यहां से आपको अलविदा। डू सब्सक्राइब अस, लाइक शेयर कमेंट। हैप्पी दिवाली, टेक केयर, सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल विथ प्राइड।